अपना माँ तो सारे का सारा श्रेय मैं तो स्टाफ को दूंगा। बच्चों की लगन तो है लेकिन बच्चों की लगन के साथ साथ स्टाफ को ज्यादा श्रेय करता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल की वो अच्छे परिणाम लेके आए हैं तो किसका उसको श्रेय देना चाहेंगे सर? ये सर मैं इस ग्राम पंचायत को, गाँव के हमारे सरपंच है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे जिला परिषद के जो मेंबर है और जो हमारे गाँव के लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे सरकारी स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसमें एडमिशन करवाया। पूरा हरियाणा का होगा मेरे ख्याल में ये स्कूल जो वाई फाई कनेक्टेड और बहुत बढ़िया।
तो वे धरोधी स्कूल में पहुंचे हैं जहां पर जो बच्चियों ने जो है अच्छा परिणाम लेके आए और अपने स्कूल का अपने नरवाना का नाम रोशन किया है। और ऐसे में इस स्कूल को देखकर हम ये नहीं कह सकते ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल है, उनसे भी बढ़िया एडवांस में यहां पर फीचर है। अगर बात करें वाई फाई कनेक्टेड है यहां, अगर बात करें स्कूल की और ये श्रेय जाता है यहां के जो स्टाफ है। तो बातचीत करेंगे, आज जो कार्यक्रम किया गया है, बच्चे जो अच्छे अंक लेकर आए हैं उनके पीछे किसका जो श्रेय देना चाहेंगे। हाँ जी सर, शुभकामनाएं पहले तो आपको, आपके स्कूल को, जिस प्रकार से जो बच्ची आपके गवर्नमेंट स्कूल की वो अच्छे परिणाम लेके आए हैं, तो किसका किसका उसको श्रेय देना चाहेंगे सर ये? धन्यवाद सर, मैं इस ग्राम पंचायत को, गांव के हमारे सरपंच हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे जिला परिषद के जो मेंबर हैं और जो हमारे गाँव के लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे सरकारी स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसमें एडमिशन करवाया और जो हमने उसका जो सर्टिफिकेट आज गाँव के सामने प्रस्तुत किया है, जो रिजल्ट हमने आज हमारे बच्चों ने दिया है, इसके लिए हमारे सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। हाँ जी सर, सर जो आपके स्कूल में टॉप में बच्चियाँ आई हैं उनके बारे में बताएं सर। ये हमारे जो आंचल है सुपुत्री श्री दिलवाग सिंह, इसने 500 में से 465 नंबर प्राप्त करके 94% हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्लस टू परीक्षा में इसने अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर सिमी है कुलदीप की, केवल एक नंबर यानी 464 500 में से लेकर के ये विद्यालय में सेकंड रही है। और तीसरे नंबर पर महक है वो भी दिलवाग सिंह की है, इसने 463 अंक प्राप्त किए। ये हमारी बहुत ही होनहार बेटियाँ हैं और पहले भी इन्हीं परिवारों से बेटियां यहां पढ़ती रही हैं और वो भी इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करती रही हैं। तो सर आज के समय में धारणा है कि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल अच्छे देखते हैं माता पिता चाहे कोई भी हो, तो जो आपके स्कूल है उन्होंने ये जो धारणा है वो चेंज करके रख दिया है, क्योंकि ऐसा पूरे हरियाणा का होगा मेरे ख्याल में ये स्कूल जो वाई फाई कनेक्टेड और पूरे हरियाणा का है। सरकार ने प्रत्येक सरकारी स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड दिए हुए, वाई फाई कनेक्टेड है, वेल क्वालिफाइड सभी सरकारी स्कूलों में स्टाफ है और ये समाज की धारणा बदलने की जरूरत है। बल्कि हम प्रयास करें कि समाज के लोग जागरूक हों और इस धारणा को बदलें कि वे प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। इससे दोहरा लाभ है, एक तो वो अपने जेब के खर्चे की मार से बचेंगे और दूसरा वह ना जाने कितने प्रकार के छिपे हुए खर्च भी बच्चों के ऊपर लादे जाते हैं जो गरीब माँ बाप सहन नहीं कर पाता, वो इस चीज से बचेगा और देश और समाज को एक नई दिशा मिलेगी सरकारी स्कूल के प्रति रुझान करने से। जी शुभकामनाएं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो धरोधी स्कूल के बच्चे हैं, इतने अच्छे अंक लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं नरवाना का नाम और स्कूल का नाम, गांव का नाम रोशन किया है सर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, दर्शक देखेंगे सभी को मेरी राम राम नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज धरोधी स्कूल सरकारी में जो रिजल्ट आए, जो बच्चे ने रिटायर्ड होने हैं, मेरे पास ना तो स्टाफ के लिए शब्द ना ही आपका चैनल के लिए, फिर भी मैं स्टाफ का और आपका चैनल का और जो हमारी बेटियां बहन बेटियां और बच्चे ट्रोप में आए हैं, माइट में आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मेरी यही अपील है कि सरकारी स्कूलों को संभालो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लगाओ और इनमें स्टाफ का सहयोग दो, बिना भी इसमें पंचायत को मेम्बर को स्टाफ के पास आना चाहिए, तो स्टाफ का उत्साह और हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी में लाभ देना चाहिए। धन्यवाद सर। बच्चों किस प्रकार से मोटिवेट करते हो आप, क्योंकि टीचर मोटिवेट करते हैं कई बार बच्चे जो निराश भी हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे मोटिवेट करते हो कि उनको आगे बढ़ा जाए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें? सर हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं वो मोस्टली ऐसी तबके से आते हैं जो गरीब तबका है, जिसके घर में बहुत सी चीज़ों का अभाव है, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के लिए विशेष सेशन भी लगाते हैं कि
घर की किसी भी प्रकार की समस्या हो वो हमारे से शेयर करें, हम उनको मोटिवेट करें ताकि वो पढ़ाई से जुड़े रहें, और यहाँ पर हम एक परिवार का माहौल देने की कोशिश करते हैं विद्यालय में ताकि बच्चे का जो एक मॉरल है वो कप रहे। यहाँ हमारे विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वाईफाई से पूरा विद्यालय कनेक्टेड है और जितने भी विद्यालय में LED पैनल लगे हुए हैं अगर किसी प्रकार से लाइट चली जाए तो हमने उनको बैकअप दिया हुआ है, इन्वर्टर से कनेक्टेड किया हुआ है। यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब है वो वेल मेंटेन है, पुस्तकालय है, लगातार बार बार बच्चे किताब पुस्तकें लेते हैं वहाँ की जमा करवाते हैं, एक अच्छा प्रकार से सेटअप किया हुआ है और तभी इन्हीं चीज़ों से पूरे स्टाफ के सहयोग से एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आया है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही मेहनती है और जब हमने सुना कि यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है ये अपने खुद मैनेज करते हैं और फिर उस टीचर लेके आते हैं, तो इसके बारे में सर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से, क्योंकि आने वाले भविष्य के यही हमारे IAS HCS CIS जितने भी क्लास वन ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं आने वाले समय के अंदर यही बनेंगे। तो सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करें, लड़कियों के ऊपर विश्वास करें, इन्हें पढ़ने के लिए बाहर अगर कहीं भी जाना पड़े इनकी हर तरह से इनके ऊपर विश्वास करें। और मैं आपके NG न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आप हमारे लिए यहाँ पे हमारे स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा मैं, खबर ये खबर जो आपने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है इसके लिए हम आभारी हैं आपके। धन्यवाद। तुम्हारा तो जो आप ये अंक लेके आए हैं, मार्क्स अच्छे लेके आए हैं, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे यार? मैं इसका पूरा क्रेडिट तो आपके मोटिवेटर कौन है, कौन मोटिवेट करते थे आपको? सबसे पहले स्कूल का सारा स्टाफ और मेरी मां। अच्छा तो राम जी तो काम भी करवाते हो कभी? अच्छा पढ़ाई करवाते हो। चलो जी कितनी खुशी आज आपकी बेटी इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है जी, बड़ी बेटी भी पहले नहीं थी। अच्छा चलो 688 नंबर पर तो क्या नाम है? तो किसको श्रेय देना चाहेंगे जो आज ये उपलब्धि आपने हासिल की? मैंने आज उपलब्धि हासिल किया इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को और अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे माता पिता वो अपने मुझ पर विश्वास करने के लिए पढ़ने के लिए सुन लेते हैं, अगर टीचर्स उस पर विश्वास करते हैं मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया। एक ही लाइन में सांस भी लिया। चलो ठीक है, तू किसको श्रेय देना चाहेगी? मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नीलम जी, शास्त्री जी। एक अच्छा गुड़िया ये बता दो तुम्हारे जीवन का ड्रीम क्या आगे आपका? हाँ गुड़िया ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है द्रौपदी गांव का सरकारी स्कूल जिन्होंने बेटियों ने बहुत अच्छा परिणाम लेके आए हैं, और किस प्रकार से जो गांव के सरपंच है और जिला पार्षद है रंगी राम जी उन्होंने भी बड़ा मोटिवेट किया है और आज इस कार्यक्रम को करके, क्योंकि अच्छे जो और भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आगे इससे भी अच्छे जो नंबर लेके आए और गाँव का नाम रोशन करें। आप सभी से निवेदन रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सरकारी स्कूल ये सरकारी स्कूल ऐसा है जहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड जो है LED से जो है स्टडी भी यहाँ पर होती है, ये हरियाणा का पहला ऐसा स्कूल है। धन्यवाद।